चलिए तो स्टार्टिंग करते वीडियो की। वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ जेई एडवांस के बारे में। तो जेई एडवांस का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था, जेई बेंच जिन्होंने दिया था उनका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन जो ओपन होनी थी वो हो चुकी है। 12 सितंबर से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फिलअप करनी थी, ठीक है। लास्ट डेट की मैं बात कर लेती हूँ, तो जो लास्ट डेट आपको ध्यान रखनी है वो रखी गई है 17 सितंबर 2020, बिकॉज योर एग्जामिनेशन जो होना है वो है 27 सितंबर 2020 को इसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट से हम डेट देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी डेट है, और इसके अलावा सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो सिलेबस में देखिए आपका पेपर जो रहेगा वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट पर बेस आपको यहाँ पर आएगा। 2 पेपर हो जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, और दोनों पेपरों के लिए यहाँ पर आपको 3-3 आवर्स का टाइम दिया जाने वाला है। तो इसमें कौन बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, जिनकी जो रैंक है वो 2.5 लाख, ठीक है, यानी जिन्होंने जेई मेंस दिया था उनमें से अगर उनकी रैंक 2.5 लाख आई है तो ही आप इस फॉर्म को यानी कि इस जेई एडवांस को रजिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर लास्ट रखा गया है, तो ध्यान से आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी। फीस की देख लीजिए, तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको पे यहाँ पर करना पड़ेगा 1400 रुपये, और जितनी भी ST SC और PWD कैंडिडेट हैं, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, उनको भी 1400 रुपये ही पे करना होगा। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, ठीक है, अदर कैटेगरी मतलब जनरल है और जो भी अदर कैटेगरी आती है, ठीक है, उनमें सभी के लिए देने होंगे 2800 रुपये। इनकी जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 2800 रुपये। रिजल्ट की बात कर लेती हूँ, तो जो रिजल्ट की जो टेंटेटिव दी है वो बोल रहा है इन्होंने कि 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, और जो काउंसलिंग होगी यानी कि जो एडमिशन प्रोसेस वो जस्ट एक दिन बाद ही कर देंगे। टेंटेटिव इन्होंने यहाँ पर आपको बोला हुआ है, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां से सब कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है, ठीक है। लास्ट डेट है 17 सितंबर 2020। और इसमें जो IITs पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 23 IITs जो ऑल इंडिया में है, वो IITs यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि आप अब यहाँ इसको जब क्वालिफाई करेंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू योर रैंक BE या BTEC जो भी आप करने वाले हैं, आर्किटेक्चर, ठीक है, जो भी आप करेंगे वो इन IITs में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट डेट याद रखिए। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट JEE Advanced 2020 रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।